नमस्कार दोस्तों, यदि आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 8-9 मई दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आए शुरू में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आए शुरू में आयकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 9 मई 2023 दिन मंगलवार, आज की तिथि चतुर्थी, आज का नक्षत्र मूल नक्षत्र, पंच चला कृष्ण पंच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:35 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7 बजे। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:05 से दोपहर 2:31 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:58 से सुबह 10:15 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग है नीला और गुलाबी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आगे जानते हैं। तो दोस्तों शारीरिक बीमारी से सही होने की काफी संभावना है और इसके चलते आप शीघ्र खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। कोई बेहतरीन या नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। नव युवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की बात पर कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों पर आसानी से सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आज किसी पार्क या जिम में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। बच्चे आपको घरेलू काम का निपटाने में मदद करेंगे। आपका संगी आपका भला सोचता है इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। उनके गुस्से पर नाराज होने से बेहतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें और समझने की कोशिश करें। जरूरी कामों को समय ना देना और फिजूल के कामों पर वक्त जाया करना आज आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। आज आपके पैसे में इजाफा होने के आसार हैं। इसका कारण अतीत में किया गया निवेश आपके लिए फलदायी रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं आज खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार को जादू करने की ताकत है। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले होते हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। साथ ही आपको बताएं आज आप पाएंगे कि घर के आसपास के लोगों से आपके रिश्ते बनते जा रहे हैं या फिर विदेश में रह रहे आपके दोस्त आपको वहां आने का निमंत्रण दे सकते हैं या फिर काम के सिलसिले में भी आपको वहां बुलाया जा सकता है। इस अवसर का आपको फायदा उठाना चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और साथ ही अपनी सोच के दायरे को आगे बढ़ाएं। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। दूसरों के साथ अपने बर्ताव को सामान्य बनाकर रखें। किसी पुरानी हॉबी को आप अपना समय दे सकते हैं। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। आज आपको लॉटरी और सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। आपको अपने व्यवहार पर नौकरी में संभल कर कार्य करने की चाहिए। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। अचानक लाभ और हानि की स्थिति बन सकती है इसलिए जो भी कार्य करें उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। भाई बहनों व मित्रों का सहयोग
आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलवा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, आज के दिन भजन और भक्ति की ओर आपका मन आकर्षित होगा। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव जागेगा। आज आप कई बातों से अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। किसी प्रेमी या साथी के लिए शॉपिंग करना पड़ सकता है। गृहस्थ जीवन को खुलकर एंजॉय करेंगे और जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी जिससे आपके जमा कोष में वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में नए कामों की शुरुआत के योग हैं। फाइनेंस, शेयर्स, बीमा आदि से संबंधित व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वकालत कर रहे लोगों को आज किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मिलाप अच्छा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद की संबंधी कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय उनकी भावनाओं पर ध्यान रखें। काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। थकान की वजह से आपको सिर दर्द भी हो सकता है। जिन लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया है उनकी वजह से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन स्थिरता खोने का डर भी आपको रहेगा। हर एक बात पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। कार्य क्षेत्र में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी गतिविधियों पर आपको नजर रखने की जरूरत है। हालांकि आय की स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम के प्रति बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आज आप उनसे अपने बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। इसके लिए स्थितियां काफी आपके लिए अनुकूल हैं, परंतु यह काम आपको जल्दी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के आपसे संबंध मधुर होने की संभावना अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश ना करें। यदि इस समय आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव है तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। लेकिन मनमुटाव रहने के साथ साथ आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जो भी आप उनसे कहें वह बहुत ही सोच समझ कर ही कहें। और साथ ही साथ आप अपने प्रेम जीवन को खुश रखना चाहते हैं तो आप किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेम जीवन के बारे में कोई भी राय ना बनाएं, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको स्वास्थ्य में किसी तरह से संबंधित समस्या उठानी पड़ सकती है, इसलिए किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या आने पर सही उपचार करना बेहद आवश्यक है, जिससे समय रहते किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सकता है। इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन